सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक है और ठीक होना भी चाहिए। तो थंबनेल देख के आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि आज कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, आज जाने वाले हैं हम लोग पानीमूर। और अभी 5 बजे निकलने का बात था, अभी ऑलमोस्ट 5:20 हो गया। तो बाकी सब चालुकबारी में रुका हुआ है और इधर साथ है शिवम डिक्रूस और ये मेरा गाड़ी रेडी है। तो जाते हैं सीधा चालुकबारी और वहाँ पर मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग जालुकबारी पहुंच गया और अभी सुबह का टाइम है। कोई मामू वामू भी नहीं है, मतलब रुकने के लिए, तो घूम के नहीं जाएगा, सीधा इधर से पार हो जाएगा। तो ये वी निहार लोग कुणाल लोग कहाँ रुका है उसको ढूंढना पड़ेगा। बस उन लोग को तो इधर ही रुकने दिया था पर कहाँ गया। और ये तो कुणाल और रुपम, तो जालुकबारी थका ना? तो जालुकबारी थका, जालुकबारी पर इखिनी आउते तोर किमान टाइम लगे? 5টা দলম বলি হৈছিল ইটা 5:30টা পাৰ গৈ। মই 7টা বজাত উঠিছো বাবা। তো ইখিনি আউতে কি দেৰি হল তো? হৈ গেল আৰু কি বাৰ। হা? গাইস, হাম লোক ইয়াতে ৰুকা হোৱা তা জালুকবাৰী মে আৰু ইয়ে নিহা জালুকবাৰী মে ৰেকে জালুকবাৰী তক আনে মে আধা ঘণ্টা লাগা দিয়া। জলদি আনা চাহিয়ে তা। আবি ইয়ে লোক আ গিয়া হে, আবি নিকল ৰে হাম লোক ও মিলতে সিধা মোটো ব্লক পে। और ये लोग सब रेडी हो गया, अभी निकलते। बोल बोल बोल। सो गाइस, अभी 6 बजने वाला है। आज बहुत जल्दी निकले घर से, इतना जल्दी तो कभी राइड पे जाना होता नहीं है, लेकिन आज बहुत दूर जाना था इसीलिए सुबह निकल गया। सब लोग आ गया था, टाइम पे आ गया था। मतलब बहुत दूर जाना है ना, इसलिए पता है सबको, फिर वापस भी आना है। टाइम दिखा रहा था 5 आवर्स का टाइम दिखा रहा था, 5 घंटा जाने में लगेगा, 5 घंटा आने में लगेगा और 1-2 घंटा उधर रुकेगा, ऐसे देखेगा जो मतलब हम लोग देखेगा वही आप लोग को भी दिखाएगा। तो गाइस, ये रहा पेट्रोल पंप और यहाँ पे हम लोग फ्यूल अप करने वाला है। सुबह इतना भीड़ है भाई, ये पेट्रोल पंप में ना हमेशा इतने भीड़ रहते हैं भाई। भी यहाँ पे फ्यूल अप करते हैं और निकलते हैं। सुबह इस तेल भरा लिया और टायर पे और भी डाल लिया। वहाँ पे बहुत भीड़ था इसलिए वीडियो नहीं किया। यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, ये देखो दोनों रास्ते का बीच में मतलब जो मतलब वो खाली जगह है वहाँ पे मतलब फ्लावर का पेड़ लगा दिया है, इसके वजह से मतलब व्यू थोड़ा अच्छा आ रहा है। व्यू मतलब गाड़ी चला के भी अच्छा लग रहा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए, काश हम लोग का उधर भी ऐसा होता। हम लोग का उधर मतलब सिटी साइड बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा ही है, इतना अच्छा नहीं है। पेड़ लगाएगा तो 2 दिन में ऐसे ही खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने से अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे रुका रहा थोड़ा ये करने के लिए और आज हम लोग के साथ कौन कौन आया नहीं दिखाया था तो अभी दिखाता है। इसका तो जानते हैं सब, इसका ये फट नहीं जाता है। निहार, शिवम भी आया आज, ये चुबो एक केपी खाने वाला आदमी, ये रुपम हीरो मनु। गाइस, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, बहुत दूर गाड़ी चलाया हम लोगों ने, बहुत दूर बहुत दूर मतलब। अभी मैं चला रहा हूँ कुणाल का वाहन
और ये पुनः मेरा गाड़ी लेके अभी खाना खाने करेगा। सो हेलो गाइस, क्या हेलो गाइस, नहीं एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं कुछ मतलब दिखाने वाला था और मेरा GoPro ऑन करते करते कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया, और मैं ये दिखाने वाला था कि आगे एक मतलब पहाड़ दिख रहा था जो कि बादल के पूरा अंदर घुसा हुआ था आधा तक, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आगे देखते हैं, अगर दिखाई दिया तो फिर से दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस ये चेक करें गाइस, ये ऊपर देखो गाइस, तो मैं वही इसके बारे में बोल रहा था, ये ऊपर का जो व्यू है वो देखो गाइस, बादल के अंदर पहाड़ दिखा हुआ है। मैं तभी मतलब जो दिखाने वाला था वो ये तो गाइस जा रहा था हम लोग इधर से, और यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा है, यहाँ पे चाय पी बहुत धूप था, सबका पिछवाड़ा दुखने लगा था, और ये लोग देखो, और ये लोग क्या कर रहा है। अरे 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 भाई, सुबह हम तो नहलिया जी हमारे लगत तोर गाड़ी शिलंग जाने कष्ट पासी ना रमई खुदू तुझे शिलंग कष्ट पैसे नहीं पा नाई नाई पा नाई पा ये नाई पावा एक गाड़ी भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। मैं सुना तू लटक जा रहे है, लटक जाएगा सोच रहा है। इस तरह से अगर तू आधा घंटा में चार बार ब्रेक लेके चलेगा तो लद्दाख नहीं भाई कहीं नहीं जा भाई, मुझे मेरे घर जाना है। इनको लक्ष्य बोरिंग लगी इसी में रास्ते। गाइस सब्सक्राइब कर देना। एकदम की कम हो आड्डा लुड़ी गेसि आड्डा लुड़ी गेसि नी एकदम आड्डा लुड़ी गेसि की कम हो
तो गाइस ये रहा हारलोंग पार्ला एंड पानीमूर पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे पिकनिक कहाँ पे खाएगा भाई, कुछ जगह ही तो नहीं दिख रहा है पूरा एकदम। तो इतना कहने का जो जाए चोली ऐसे बारू कि तो गाइस हम लोग आ रहा था और ये कुनल का गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसका जो स्प्रिंग है वो पूरा टूट गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो गाइस हम लोग जंगल के अंदर से आते हुए ये देखो गाइस क्या आ गया, ये देखो गाइस। सो गाइस ये हम लोग इस तरफ से जंगल के बीच में से होते हुए ये आ गया पानीमूर वाटरफॉल। थोड़ा पास जाके दिखाते हैं आप लोग को। गाइस सुबह के 6 बजे हम लोग जालुकबारी से निकला था और अभी लगभग 12 बजने वाला है। ऑलमोस्ट 6 घंटा लगा हम लोग को आने में, रुक रुक के मतलब आ रहा था तो नॉनस्टॉप बाइक कोई नहीं चला सकते है, तो रुक रुक के रेस कर करके आना पड़ेगा। तो वही अभी जाके ये पहुंचा इधर, तो देखिए आप लोग। तो गाइस पहुंच गया हम लोग, यही है पानीमूर वाटरफॉल। फाइनली हम लोग पूरा पास में पहुंच गया, पूरा पास। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा सिवाय पानी और पानी के साउंड के। ओ माय गॉडनेस, वाह कैसा लग रहा है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सही प्लेस पे लेके आया, सही प्लेस पे लेके आया ना गाइस। एक बार व्यू देखो यार आप लोग, ऐसा लगता ही नहीं हम लोग का आसाम का व्यू है, कुछ अलग जगह। हम लोग थोड़ा पास में आ गया तो यही है, इधर में देखता है थोड़ा, पानी बहुत ठंडा है और प्लेस हाय अल्टीमेट प्लेस है। कैसा लगा तुमको, कैसा लगा? बहुत। तो गाइस ये सो गया आके, इसको नींद आ रहा है बहुत, ये सो गया। गाइस ये लोग पानी के अंदर घुस गया है गाइस। तो गाइस हम लोग पानी में है गाइस। यस गाइस, मेरा पैर घुसे जा रहा है और हम लोग पे गया नहाया थोड़ा देर, मतलब ऐसे ही संडे बोल के राइड किया। वही अभी यहाँ से निकलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।